हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS का गठन किया जाएगा। ATS में SP और DIG रैंक के अधिकारी होंगे। गृह और पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षा के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री विज ने कहा कि हाल ही में पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर हमले और करनाल में विस्फोटक उपकरणों को ले जाने वाले मामले को देखते हुए राज्य के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। विज ने कहा कि आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए सरकार को स्लीपर सेल की मौजूदगी और उनके तौर तरीके की जांच करनी है। उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र में खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में नाइट विजन CCTV कैमरे लगाने को कहा। गृह मंत्री विज ने कहा कि प्रदेश में किरायेदारों के निरीक्षण को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राज अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में सभी पुलिस कार्यालय और सरकारी भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा, साथ ही VIP की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा और बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमा हॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, होटलों, धर्मशालाओं आदि में संबंधित क्षेत्र के SHO द्वारा काम की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने कहा कि लवारिश वस्तुओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह दूसरे राज्यों से आने वाली बसों और ट्रेनों की चेकिंग पर जोर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आई।